हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सांप का जहर कैसे काम करता है? तो आइए जानते हैं सांप का जहर कैसे काम करता है और सांप के जहर से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ। सांप का नाम सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और अगर सांप दिख जाए तो डर के मारे हमारी हालत खराब हो जाती है। हालांकि हर सांप जहरीला हो ये जरूरी नहीं और हर सांप के जहर से मौत हो ये भी जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी सांप एक ऐसा जानवर है जिसका डर सभी को होता है। लेकिन क्या आपको पता है सांप का जहर कैसे काम करता है, कैसे ये हमारे शरीर में फैलकर हमारी मौत का कारण बन जाता है? सांप का जहर दो प्रकार के होता है, न्यूरोटॉक्सिन, हीमोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन विष शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, वह तंत्रिकाएं काम करना बंद कर देती है, उसे नींद आने लगती है और वह बेहोश हो जाता है। हीमोटॉक्सिन विष व्यक्ति के रक्त को प्रभावित करता है, रक्त के साथ मिलकर यह रक्त कोशिकाओं को समाप्त कर देता है और मस्तिष्क में रक्त न पहुंचाने से व्यक्ति की मौत हो जाती है। सांप में एक विष ग्रंथि होती है और उसका जहर उसी में होता है। ये विष ग्रंथि सांप के दांत से जुड़ी होती है जिसे विष दंत कहा जाता है। अगर सांप का जहर बिना खून में मिले सीधे मुंह के जरिए पिया जाए तो इसका जहर शरीर में नहीं फैलता, लेकिन जब सांप किसी को काटता है तो वह अपने विष दंत से काटता है। ऐसे में सांप का जहर हमारे खून में चला जाता है और यह जानलेवा बन जाता है। सांप का जहर जब हमारे खून में मिल जाता है तो यह हमारी मांसपेशियों, तंत्रिका तंत्र, रक्त संचरण, हृदय श्वसन तंत्र आदि पर बेहद बुरा प्रभाव डालता है, जिससे अगर समय पर सही उपचार ना मिले तो जान जाने तक का खतरा रहता है। खून में ऐसे पाचक एंजाइम और अम्ल नहीं होते जो सांप के जहर को पचा सके और ऐसे में ये हमारे शरीर में फैल जाता है और हमारे लिए जानलेवा बन जाता है। इसी वजह से सांप काटने पर डॉक्टर द्वारा हमें जो दवाई दी जाती है वो सांप के जहर के लिए प्रतिरोधक दवा होती है, जो सीधे हमारे खून में घुलकर सांप के जहर के असर को खत्म कर देती है। उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि सांप का जहर शरीर में कैसे काम करता है। आई होप कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।